हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जियो फोन में ओम एसडी फाइल को डाउनलोड कैसे करना है और जेबीएस टूल कैसे चलाना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो जियो फोन को आपको रूट करना है। सारे लोग बता रहे हैं कि जियो फोन को रूट रूट करके आपको आएगा, लेकिन एक बात नहीं बता रहा है कि इसमें कैसे आएगा और क्या क्या प्रोसेसर करना पड़ेगा तो आएगा। तो इसके लिए आपको विंडो 7 विंडो 10 का जो ऑपरेशन सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर में रहना चाहिए और आपके जो एक डेटा केबल होना चाहिए और आपको एक लग्जरी वेबसाइट है यानी कि वेबसाइट होगा उसमें आपको लिखना है ओमेसिटी फाइल, तो वो आ जाएगा और आपको वहाँ पर इंस्टॉल का आइकन दिखा देगा या आप अपने जियो फोन में भी इंस्टॉल करके वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको जियो फोन में भी डाउनलोड करके वहाँ से आप सॉफ्टवेयर अपडेट यानी कि सॉफ्टवेयर को वहाँ पर आपको इंस्टॉल का आइकन दिख जाएगा। आपके जो डेटा केबल यूज करेंगे उसमें आपको एक इंटरनल स्टोरेज का एक आइकन दिखा देगा, तो उसमें आपका डाउनलोड फाइल दिखा देगा। तो वहाँ पर जेबीएस टूल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इंस्टॉल करने का आइकन आ जाएगा। तो वहाँ पर आप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको जियो फोन में भी इंस्टॉल हो जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यही कुछ प्रोसेस था और आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद जेबीएस स्टोर इंस्टॉल करने के लिए आपको उस एमएसडी फाइल में चले जाना है जो आप जेबीएस स्टोर डाउनलोड पहले ही कर लिया है। तो आपको उस एमएसडी फाइल में जाना है, वहाँ पर आपको इंस्टॉल का आइकन दिखाएगा, वहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन मैं जियो केयर से पूछ चुका हूँ कि ये ओमएसडी फाइल जियो फोन में आया है या नहीं, तो ये थर्ड पार्टी ऐप है, ये जियो फोन में नहीं आया है अभी और ना ही ये जियो फोन में आने वाला है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये ऐप मुझे देखने को मिल सकता है, लेकिन ये अभी नहीं आया है। तो जियो फोन केयर से मैंने बात किया था, तो अगले वीडियो में आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके।